हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, SGPGI 1974 पोस्ट अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ज्वाइनिंग कंप्लीट नहीं हुई है। और ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी दोस्तों? 10 तारीख का बोला गया था कि आपको 10 तारीख तक आपके ज्वाइनिंग लेटर इश्यू हो जाएंगे, लेकिन अभी तक दोस्तों प्रेफरेंस भी नहीं भरवाया है। तो क्या प्रेफरेंस भरवाएंगे या नहीं भरवाएंगे, इसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। और यहाँ पर एक और लिस्ट जारी हुई है, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, SGPGI के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनका DB हो गया है, बहुत सारे कैंडिडेट्स प्रोविजनल सेलेक्ट किए गए हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स को टाइम भी दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं, पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूं। डियर कैंडिडेट्स, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, ऑफिशियल ग्रुप है हमारा ये SGPGI का, स्टाफ नर्स में जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, तो वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। बाकी जो लेटर जारी हुआ था दोस्तों, देखिए यहाँ पर लिस्ट है ये कैंडिडेट्स की, जिसमें काफ़ी कैंडिडेट्स को शामिल किया गया है। 200 कैंडिडेट्स को यहाँ पर शामिल किया गया है, जिसमें बताया गया है आप लोगों के लिए कि देखिए, इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि कुछ कैंडिडेट्स को जो DB हुआ था उस दौरान सिलेक्ट कर दिया गया था, एलिजिबल माना गया था, लेकिन किसी के कुछ डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम्स की वजह से उनको प्रोविजनल सिलेक्ट किया गया था। अब प्रोविजनल सिलेक्ट जो किया गया था, उनके लिए कुछ ना कुछ कमी थी डॉक्यूमेंट्स में, तो उन्होंने अभी तक कंप्लीट नहीं कराई है, तो इसलिए यहाँ पर एक और लेटर जारी किया गया है। देखिए, जौनपुर के 1974 स्टाफ नर्स के पद हेतु अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिनांक 13/6/19 तक चला था। कहाँ चला था? KGME में चला था। अब उनके लिए जिन्हें प्रोविजनल घोषित किया गया था, संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु तद दिनांक से 7 दिवस का समय प्रदान किया गया था, लेकिन कुल 119 अभ्यर्थियों ने अपने दस्तावेज कार्यालय स्तर पर उपलब्ध कराए। एक अभ्यर्थी श्री ओमवीर अनुक्रमांक जितना, जिनका जेंडर त्रुटिपूर्ण अंकित हो गया था, जिस कारण तत्समय उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया गया था। श्री ओमवीर के प्रकरण में SGPGI लखनऊ से स्थिति स्पष्ट कराई गई है। SGPGI लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या के आधार पर श्री ओमवीर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। उक्त अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन हेतु दिनांक 13/7/23 एवं 14/7/23 दिनांक को की गई। ठीक है, तो इसमें देखिए, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधित पावती को लेकर कार्यालय चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण जवाहर भवन छठा तल लखनऊ में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। ठीक है, इसमें बताया गया है दोस्तों, यदि निर्धारित तिथि एवं समय से अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होता है, तो उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों का कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, जिस अभ्यर्थी का नाम लिया है इसमें, ओमवीर सिंह, उनको जल्दी अपना जो है जितना भी है सब कुछ, यहाँ पर जो नाम है, प्रॉब्लम्स है, वो यहाँ पर दिखा देनी है। यहाँ पर देखिए, उपस्थिति हेतु दिनांक यहाँ पर जो बताया गया है 13 जुलाई तक, 13 जुलाई दिनांक दे रखा है यहाँ पर, आप लोग देखेंगे लिस्ट में नाम है, तो उनका लास्ट 13 जुलाई है। बाकी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ 14 जुलाई कैंडिडेट्स को अलग अलग बताया गया है उपस्थिति हेतु दिनांक। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, बाकी आपके लिए जल्द ही ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और प्रेफरेंस का यहाँ पर देखिए कोई अपडेट नहीं है साथियों, अगर कुछ बताएंगे तो हम आपको जल्दी से जल्दी बता देंगे। बाकी आप चैनल पर निरंतर बने रहें, आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी जो भी अपडेट रहेगा। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिली होगी दोस्तों, और आगे भी मिलती रहेगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट कोई भी अपडेट होगा आपको जरूर बताया जाएगा। तो अभी के लिए धन्यवाद।